अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यार अभी मास्टर एग यूट्यूब चैनल। सो आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि यार पबजी के लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, उसके बारे में मुझे एक वीडियो बना के दो, इसके बारे में एक वीडियो बना दो, मतलब ऐसा कोई स्मार्टफोन बताना है जो कि रैम रोम उसकी अच्छी हो। उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ को टारगेट किया। ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल 30,000 के बजट के अंदर या फिर 25,000 के बजट के अंदर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन की रैम रोम हाई हो थोड़ी और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, प्रोसेसर भी एक अच्छी कंपनी का लगाओ, एक अच्छे ब्रांड का लगाओ, तो ऐसा कोई स्मार्टफोन हमें बताओ। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपके लिए कैसा स्मार्टफोन लेके हाजिर है। मतलब ऐसे नहीं बता रहा ना यार, आप लोग वीडियो को एंड तक देखो कि हम तमाम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उसकी कौन सा स्मार्टफोन है जो कि बेस्ट होने वाला है पबजी के लिए अंडर 25,000 रुपीज। ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते यार, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जो स्मार्टफोन आज आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है Xiaomi का Redmi 8 जो कि रिसेंटली अभी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसकी स्पेसिफिकेशन को देखकर आपको यकीन नहीं आने वाला कि ये इस प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसकी जो प्राइस टैग है वो 22,000 रुपीज है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन अगर आप जाके इसको कराची में ऑफलाइन मार्केट से किसी बाय करते हो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसको प्री सेल में बाय करते हो, प्री ऑर्डर करते हो, तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट है, और दराज से बाय करते हो उसके ऊपर तो वैसे ही इतने वाउचर्स होते हैं तो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बात में मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप जाके बाय करते हो तो उसकी प्राइस है वो कम होती है, मतलब लॉन्च से कम होती है, तो बहुत अच्छी बात है यार ये। और Redmi 8 की जो प्राइस है यहाँ पे 22,000 रखी गई, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में ऑफलाइन जाके लेते हो अराउंड 20,000 रुपीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रैम इसके अंदर लगाई गई है 4GB की और 64GB की इंटरनल स्टोरेज लगाई गई है, तो पबजी के लिए आपको पता है कि बेस्ट है ये। 6.22 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। बाय द वे फोन का डिजाइन है वो अच्छा है, बैक से तो काफी अच्छा है, मतलब एक प्रीमियम लुक देखने के लिए मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाती है। साथ में आपको फोन में थोड़ी सी चिन देखने के लिए मिलती है जिसके ऊपर Redmi लिखा गया है बड़े प्यारे तरीके से। बैक पे आपको डुअल कैमरा देखने के लिए मिलते हैं 12 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलता है। अब मेन चीज आ रही थी इसकी बैटरी की, यार गेमिंग करते हैं जाहिर सी बात है PUBG के लिए तो बहुत ज्यादा हीट भी कंज्यूम होती है, मतलब एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, तो बैटरी इसके अंदर कितनी ली है जाहिर सी बात है। बड़े बड़े स्मार्टफोन 30,000-40,000 की रेंज में 4,000-4,000 एमएएच की बैटरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर Redmi 8 5,000 एमएएच बैटरी के साथ में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ में 5,000 एमएएच की एक बैटरी, कंप्लीट एक गेमिंग डील है यार यहाँ पे मेरे नजदीक की है। और जो प्रोसेसर बोलोगे यार प्रोसेसर कौन सा होगा इसके अंदर, प्रोसेसर लगा दिया होगा मीडिया टेक का कोई घटिया था प्रोसेसर, लेकिन नहीं, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया गया है। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज के Redmi ने ऐसा कैसे कर दिया यार कि इतने बजट के अंदर ऐसा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी लगा दिया 4GB 64GB लगाने के बावजूद भी। आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 439 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है आपको जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, पबजी बहुत अच्छी चला लेगा। ओवरऑल जो स्मार्टफोन है वो तबाही स्मार्टफोन है, आप पाकिस्तानी मार्केट में इसको बाय कर सकते हो बहुत आसानी से। मेरे को अगर लिंक मिला इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, आप जाकर बाय कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। तो ये था वो स्मार्टफोन जो कि आप गेमिंग के लिए खरीद सकते हो 125,000 रुपीज। जाहिर सी बात है अगर आपको गेमिंग करते हैं वही बात है कि जितना गुड़ ढालोगे तो उतना मीठा होगा। अगर आपको पबजी के लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके पैसे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले ही होंगे। तो मैंने आपको बजट के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन बताया जिसमें आपको जितने भी छोटे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, जिससे कि इन्फिनिक्स कर रहा है, हॉट 8 किया इन्फिनिक्स है, टेक्नो का कैमरा 12 किया, अगर आप इनके अंदर पबजी वगैरह चलाओगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप Redmi 8 के अंदर प्ले करोगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में 4GB 64GB के साथ में, जो लेवल है वो एकदम नेक्स्ट होने वाला है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, यही जो स्मार्टफोन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पबजी वगैरह खेलनी है मिड रेंज के अंदर, मतलब एक स्मार्टफोन आजकल हर बंदा 16,000-17,000 रुपये में लेता ही है, तो अगर वो चाह रहे कि गेमिंग भी करे और गेमिंग भी एक अच्छी हो खास हो पबजी, सो डेफिनेटली यू कैन बाय। आज की इस वीडियो में बस यही था, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।